शराब को अगर व्यसन के रूप में लिया जाए तो वो खराब है, और शराब को अगर दवा के रूप में लिया जाए तो वो मेडिसिन है। बड़े लोग लेते हैं, उसमें हम किसका टीका नाम लेंगे? रात में 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद लेकर के सो जाते हैं तो प्रतिष्ठित होकर कहे जाते हैं, और हमारा आदमी खाना मिलता नहीं है और ले लेता है एक पॉट और इधर उधर उड़ाए चलता है, तो लोग कहता है देखो कैसे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से एक बार फिर विवादित बयान दिया गया है। बता दें आपको कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार शराबबंदी कानून को सफल बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी की तरफ से उपाय बताए जा रहे हैं, तरीके बताए जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से बिहार के लोगों को शराब का सेवन करना चाहिए। आपको बताएं कि इस वक्त जीतन राम मांझी का वो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों से ये कहा है कि अगर आपको शराब पीनी है तो 10 बजे के बाद पिया कीजिए, यानी कि रात 10 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी शराब आप पिया कीजिए, क्योंकि ये शराब जो है वो दवा के तौर पर काम करती है। क्या कुछ कहना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का, सुनवाते हैं आपको। शराब को अगर व्यसन के रूप में लिया जाए तो वो खराब है, और शराब को अगर दवा के रूप में लिया जाए तो वो मेडिसिन है। जैसा कि हाल में भी पेपर में भी मैगजीन में भी आया है, उसने साफ लिखा है कि 2 पैग अगर ले लेता है लोग तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि शराब व्यसन के रूप में नहीं लेना चाहिए, शराब को दवा के रूप में ले तो खास करके जो कमज़ोर वर्ग के और जो परिश्रमिक करने वाले लोग हैं, जो कि रात में बड़े बड़े लोग लेते हैं, उसमें हम किसका टीका नाम लेंगे? रात में 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद लेकर के सो जाते हैं तो प्रतिष्ठित होकर कहे जाते हैं, तो हमारा आदमी खाना मिलता नहीं है और ले लेता है एक पॉट और इधर उधर उड़ाए हुए चलता है, तो लोग कहता है देखो कैसे राय बयान है। तो हम इस चीज़ का खिलाफ हैं, कहते हैं कि तुम अपनी जाति का अपने समाज को क्यों बदनाम कराते हो, जैसे बड़े लोग करते हैं उसी का अनुकरण करो कि रात में अपना आओ कमाओ खाओ और उसके बाद थोड़ा सा दवा के रूप में लेकर सो जाओ, सुबह में चलो ताजा होकर फिर तुम खाओ। तो बता दें आपको कि जीतन राम मांझी की तरफ से ये कहा गया है कि मैंने शराबबंदी कानून का विरोध किया और यही वजह है कि 3 बड़े संशोधन जो है वो शराबबंदी कानून में किए गए हैं, और आगे भी मैं इसी तरह से शराबबंदी कानून का विरोध करता रहूंगा और एक दिन सरकार को ये कानून वापस भी लेना होगा। तो एक बार फिर से जीतन राम मांझी सुर्खियों में आए हैं, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून को लेकर विवादित बयान दिया है, वो सुर्खियों में रहे हैं, और अब एक बार फिर से बिहार के लोगों से जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि रात के 10 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी पिया करो, क्योंकि ये शराब जो है वो दवा के तौर पर काम करती है। ऐसे में जीतन राम मांझी की तरफ से दिए गए इस विवादित बयान के बाद बिहार के अलग अलग राजनेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, और खास करके NDA के लोग इस बयान को किस तरह से लेते हैं, ये तमाम चीजें देखनी महत्वपूर्ण होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।